बातें सच बोलूंगी, कड़वी लग सकती हैं तो लग जाए। मैं ये सोच रही थी कि जब मैं इस मंच की अध्यक्षता कर रही थी, जब मैं आई तो आखिर जो चेयर बीच में पड़ी हुई थी अध्यक्ष की, वो ऑक्यूपाई किसने कर ली। ये एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वो कुर्सी किसने ऑक्यूपाई कर ली। तो मैंने कई एक बिंदुओं पर विचार किया, वो कुर्सी उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली जो हमसे पहले आ गए थे, भले ही हमारा उस पर अधिकार था। वो कुर्सी उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली, उस पर विराजमान हो गए जो सुबह जल्दी उठे होंगे, स्ट्रेटजी बनाई होगी और आकर के बैठ गए होंगे। इस देश के अंदर जितने भी आंदोलन चल रहे हैं, जितना भी सामाजिक ताना बाना स्ट्रक्चर है, तो किसी ने तो ये प्लानिंग पहले कर ली होगी, इसीलिए वो सत्ता में आसीन है। आबादी हम लोगों की ज़्यादा है, इस देश के अंदर करीब 90% आबादी है OBC SC ST माइनॉरिटी की। हम बार 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 ब्लेम करते हैं, हमारा आरक्षण ले लिया, हमारे साथ भेदभाव किया, हम अभी तक एक नहीं हो पाए, हम सत्ता में नहीं पहुंच पाए, हमारे साथ निरंतर भेदभाव हो रहा है। और फिर मंच से नारा लगता है, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस नारे का चरितार्थ पता है हमी लोगों को? इस नारे का चरितार्थ है कि इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, जो बहुजन आबादी है, उसके पास वोट का अधिकार है, और इस वोट के अधिकार से राज उसका चल रहा है, और हम अपने वोट का यूज भी नहीं, अपने हित के लिए नहीं कर पा रहे। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? मेरा ये मानना है कि वाकई में कोई भी समाज, कोई भी देश, कोई भी परिवार, कोई भी संस्था, दो तीन चीजें अगर उसके अंदर है, नंबर वन ईमानदारी, नंबर दो एकजुटता यूनिटी, नंबर तीन ऑर्गेनाइजेशन आपका, और नंबर चार है प्लानिंग, उसके बाद उसका इंप्लीमेंटेशन। लेकिन मैं तो आधी आबादी हमारी तो यहां पर है भी नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा कि आप लोग शांतिपूर्वक मुझे सुन रहे हैं, और शायद हो सकता है मेरी बात, मैंने पहले भी कहा, कड़वी लगे। मेरे भाई और इस देश का नेतृत्व जो लोग कर रहे हैं आज, और देश आजाद होने के बाद करते आए हैं, आखिर कुछ तो उसको, मैं तो स्ट्रेटजी कहती हूं, क्योंकि अगर वो षड्यंत्र कर रहे हैं तो हमने उनका षड्यंत्र को अभी तक तोड़ क्यों नहीं पाया, जब हमारे पास वोट भी है, हमारे पास हमारी आइडियोलॉजी भी है, और हमारे पास हमारे देश के अंदर ऐसे महापुरुषों की आइडियोलॉजी है जिसको हम भारत ही नहीं, वैश्विक पटल पर दावे के साथ कह सकते हैं कि हम इस उस देश की आबादी को प्रेजेंट कर रहे, रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो मानवता की बात करते। किसकी बात करेंगे? बुद्ध की, जिन्होंने समानता की बात की। किसकी बात करेंगे? अपने महापुरुषों की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने भारत का जब संविधान लिखा तो उसमें जाति धर्म भेदभाव हर चीज से परे जा करके उन लोगों को भी अधिकार दे दिया समानता का, जिन लोगों ने इस देश में बहुत बड़े समय तक और निरंतर भेदभाव किया। आप सोचिए कि हम लोग किस जगह से आते हैं और क्या हमारी बिलोंगिंग्स है। हमें गर्व होना चाहिए अपने आप पर। आज माता सावित्री बाई फुले जी की जयंती है, मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया, मुझे अच्छा लगा, और स्पेशली OBC महासभा का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन इस मंच से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि देश की जब 50% आबादी है तो उसका वोट भी 50% है। आखिर उस 50% आबादी का वोट कहाँ जा रहा है? माता सावित्री बाई फुले जी की हम आज जयंती मना रहे हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले जी की बात की है, उनकी जयंती को हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं, तो क्या हमारा उद्देश्य उनकी, महात्मा ज्योतिबा फुले जी की प्रतिमा को रख करके माल्यार्पण करना है? मैं वकालत करती हूँ कोर्ट में, मेरे पास सबसे ज्यादा मैटर आते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के। मैं ये जानना चाहती हूँ कि महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने, जिन्होंने उस दौर में अपनी पत्नी को घर से बाहर जाने के लिए प्रेरित किया,
उस कीचड़ को सहन करने के लिए प्रेरणा दी कि तुम आज अगर ये कीचड़ सहन कर रही हो जो तुम्हारे ऊपर फेंका जा रहा, अगर आज तुम इस घर में बैठ गई तो आगे आने वाली हमारी देश की जो पीढ़ियां हैं महिलाओं की, वो शिक्षा से वंचित रह जाएंगी। वो लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया। लेकिन आज मैं सोचती हूँ कि आज से करीब 150-200 साल पहले एक व्यक्ति इतना प्रोग्रेसिव माइंड का पर्सन था, महात्मा ज्योतिबा फुले जी इतने प्रोग्रेसिव माइंड थे कि उस दौर में जब स्त्रियों को घर से निकलने की आज़ादी नहीं थी, चाहे वो किसी भी समाज की स्त्री हो, उन्होंने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाला। लेकिन सभागार में मेरे बैठे भाई अपनी पत्नियों को क्यों नहीं ला पाते हैं? फेसबुक पर अपनी ओपिनियन देने वाले, मीडिया में ओपिनियन देने वाले, सार्वजनिक मंच पर भाषण देने वाले, इनकी पत्नियां क्या कर रही हैं, इनकी बेटियां क्या कर रही हैं, इनकी माताएं क्या कर रही हैं सिवाय रोटी बनाने के अलावा? कभी सोचा है? हम लोग बन गए हैं सामाजिक संगठन बना करके ठेकेदार की हम पॉलिटिक्स में परिवर्तन करेंगे, सत्ता का परिवर्तन करेंगे। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जो घर में 50% आबादी है, आपकी पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में, माता के रूप में, वो भी इस देश की पूंजी हो सकती थी? देश ही नहीं, समाज की, ओबीसी समाज की, एससी समाज की, आपकी परिवार की पूंजी हो सकती थी। लेकिन आपने अपने विचारों को सार्वजनिक करने के लिए, लेकिन आपने अपनी चीजों को स्थापित करने के लिए उसको आपने घर की चार दीवारी में बंद कर दिया। इस देश की जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश में, वो बात अलग है कि लोग कितनी भी उनकी बात ना करें, आलोचना करें बहुत सारे चीज़ों पे, जब जैसे ही हम एंटर करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, अंबेडकर पार्क, लखनऊ में परिवर्तन चौक बना है, वहाँ पर सिर्फ दलित समाज की मूर्तियाँ नहीं है, वहाँ पर हमारे सारे महापुरुषों की मूर्तियाँ हैं। इतनी हिम्मत किसने जुटाई? वो निडरता थी। ये बात मैं बहन जी का नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ कि वो एक पार्टी से बिलोंग करती, मैं इसलिए ले रही हूँ कि अब एक स्त्री जब सत्ता में बैठती है तो वो ये सब करके दिखाती है। राजनीतिक लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट में भी जीतेंगे, विधानसभा में भी जीतेंगे, लेकिन आपके घर की स्त्री कैसे लड़ाई लड़े इस समाज को आगे ले जाने के लिए, आपके परिवार को आगे ले जाने के लिए? उसको तो आपने घर की चार दीवारी में बंद कर दिया है। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी जी, आज पाकिस्तान के नाम पर पाकिस्तान ये कर देगा, पाकिस्तान वो कर देगा, दो टुकड़े कर दिए उन्होंने, क्योंकि निडरता, ईमानदारी जहां रहती है। आज इस कास्ट स्ट्रक्चर की बात हो रही थी, जातियों में बांट दिया इसने, बांट दिया उसने, स्त्री कोशिश करती है ये जातिगत ढांचे को तोड़ने का प्रेम विवाह करके, और जब वो प्रेम विवाह करने की कोशिश करती है तो क्या किया जाता है, ऑनर किलिंग कर दिया जाता है, मार दिया जाता है उसको। मैं कहती हूं कि इस भारत ही नहीं पूरे विश्व का स्ट्रक्चर अगर एक स्त्री के विचार से मॉडिफाइड कर दिया गया ना, तो शायद ना तो कोई किसी पर परमाणु बम गिराने की सोचेगा, जितना ये बॉर्डर पे हमारे आर्मी के भाई मारे जाते हैं, चाहे वो भारत के हो, चाहे पाकिस्तान, चाहे चाइना के, किसी भी कंट्री के, ये सब बंद हो जाएगा। कंपैशन है उसके अंदर, करुणा है, वही तो बुद्ध कहते हैं कि कंपैशन लाइए, युद्ध से कुछ नहीं होगा। तो ये चीजें सत्ता में भी इंप्लीमेंट होंगी, और ये सत्ता में इंप्लीमेंट होंगी तो आपके घरों में भी इंप्लीमेंट होंगी। इसलिए अपने घर की स्त्री को भी निकालिए, उसको देश की पूंजी समझिए, उसको सिर्फ ऑब्जेक्ट मत समझिए। एक किसी के घर की स्त्री, जब मैंने निर्भया केस फाइट किया, बहुत लोग तो कहते हैं प्रोजिक्यूशन का केस था, मैं आज बता देना चाहती हूँ एससी एसटी और महिलाओं के खिलाफ मुकदमे में कंप्लेनेंट को सुना जाना जरूरी है। अगर उसको नहीं, उसके एडवोकेट के माध्यम से सुना जाएगा, वो केस आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये क्लियर करना बहुत जरूरी था। चार लोगों को फांसी की सजा कराई मैंने, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, सुरेंद्र कोहली निठारी कांड हुआ था, आप लोग जान रहे होंगे, नोएडा में वो व्यक्ति खून पी जाता था छोटे छोटे बच्चों का। कहाँ है सरकारें? सोई हुई हैं। करा पाए फांसी की सजा? एक मैटर है सबने बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का, एक स्त्री ने अपने परिवार के 7 सदस्यों को मार दिया, एक छोटे बच्चे को भी मार दिया। मैं आज इस मंच से कह रही हूं कोई फांसी नहीं करा सकता, सुरेंद्र कोहली को भी फांसी नहीं होगी, वो लिटिगेशन का पार्ट है, उस पर हम कभी बात करेंगे।
क्योंकि डिले के ग्राउंड पर अगर आपने किसी भी प्रिजनर को बहुत दिनों तक जेल में रखा 12-13 साल तक, वो डिले का ग्राउंड बन जाता, आजीवन कारावास में परिवर्तित हो जाता, आप फांसी नहीं दिला सकते। ऐसे 17 केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कम्यूट कर दिए आजीवन कारावास में। आपकी ये बहन सिस्टम से लड़ती रही, जुडिशरी से मैंने लड़ाई की, सार्वजनिक मंच पे मैंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 18 महीने निर्भया केस पेंडिंग रखा, मैं इनिशिएटिव लेती रही कि आप क्यों नहीं करेंगे। देश के राष्ट्रपति को मैंने बोला कि आप कहते हैं कि महिलाओं के खिलाफ क्राइम ना हो, तो मैं आपसे कहती हूं कि आपके पास जो मर्सी पिटीशन पेंडिंग है 12 साल से, उनको आप डिसीजन लीजिए। किसकी बात कर रहे हैं? जो जहां है ईमानदारी से काम कर ले, घर में है तो घर में ईमानदारी से काम कर ले। एक व्यक्ति अगर वो बात कर रहा है सामाजिक न्याय की, अगर वो बात कर रहा है सत्ता के परिवर्तन की, तो पहले आप अपने घर की स्त्री के साथ सामाजिक न्याय और बच्चों के साथ कर लीजिए, फिर जाति के साथ भी कर लीजिए। जितने जातिगत संगठन बने, मैं कह रही हूँ अपने जाति के लोग भी ईमानदारी से एक दूसरे का सपोर्ट कर दे, देश अपने आप तरक्की कर जाएगा और आपको पॉलिटिकल पावर भी मिल जाएगा। लेकिन सच ये है कि हम जाति के अंदर भी अपनी जाति के लोगों को भी सपोर्ट नहीं करते। पता नहीं एक हाइपोथेटिकल लड़ाई चल रही है, जो वर्चुअल दुनिया में लड़ाई चल रही है। ये मैं मानती हूँ इन चीज़ों को कि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, इम्प्लीमेंट हुई हैं बहुत सारी चीज़ें उसका, लेकिन जिस तरीके से हमारी संख्या है, जिस तरीके से हमारी फाइट होनी चाहिए, निरंतर सभी लोग कहते हैं कि बार बार बीजेपी आ जा रही है, बीजेपी आ रही है स्ट्रेटजी के बताने से, बीजेपी किस वजह से आ रही है? अगर लोग कहते हैं, हम सभी लोग डिस्कशन करते हैं कि ईवीएम जब तक नहीं हटेगी तब तक कोई पार्टी आ नहीं सकती सत्ता में, ना केंद्र में ना स्टेट में, तो भाई इस दिल्ली की धरती पर कभी क्या हम 10 लाख की संख्या में भी, चलो सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन रहा है, 10 लाख की संख्या में भी हम कभी यूनाइट होकर के उतरे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए? अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, अगर हमारे भारत का संविधान कहता है बी द पीपल ऑफ इंडिया की बात करता है प्रेम्बल में, तो मैं कहती हूँ कि हमारी जो प्रेम्बल है, हमारा जो भारत का संविधान है, उस संविधान में, संविधान को लचीला बनाया बाबा साहब ने, कि अगर समय परिवर्तनशील है, अगर चीज़ें परिवर्तनशील हैं, तो देश की जनता के हाथ में वो पावर दिया है कि आप रोड पर उतरिए, आंदोलन करिए, संविधान में भी परिवर्तन किए जाएंगे। लेकिन हम क्या करवा पाए? इस देश की इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी, अभी रिसेंटली मैं एक केस को सुन रही, यहाँ पर हाथरस केस, गैंगरेप एंड मर्डर केस में फाइट कर रही हूँ, जजमेंट रिसेंटली आने वाला है। आपको बताती हूँ कि कौन सी प्रेसी कैसे हो जाती है कोर्टों के अंदर। एक SC ST एक्ट है, उस एक्ट में ये प्रावधान है कि एक तो प्रिवेंशन की बात कर रहा है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अपराध नहीं होगा, उसको सरकार रोकेगी, अगर अपराध हो गया तो इमीडिएटली कंपनसेशन दिया जाएगा FIR होने पर, फिर उसमें चार्जशीट फाइल होने पर, फिर उसमें सजा होने पर। अलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ समय पहले जजमेंट दिया है कि जब तक SC ST एक्ट का मुकदमा आता है, जब तक उस केस में सजा नहीं हो जाती, कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। आप कर लो, क्या कर लोगे? हाथरस केस में ही जिस परिवार का मुकदमा मैं लड़ रही हूं, उसी परिवार के एक व्यक्ति का उंगलियां काट दी गई थी, वो मुकदमे में उस परिवार के जो अन्य व्यक्ति थे, तो जो आई विटनेस थे, वो हॉस्टाइल हो गए, कोर्ट में गए, कहते हमने नहीं देखा किसने मारा पीटा। ये होता है, अपने लोग गवाही तक देने से डरते हैं, कैसे न्याय करवा लेंगे आप? तभी तो अगली कड़ी में बात आ जाती है कि OBC SC ST जजेज की संख्या बढ़ाई जाए। कॉलेजियम सिस्टम जो है, जब NJEC का आया कॉन्सेप्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह दिया कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है, आप हमारे क्षेत्र में नहीं घुस सकते, कोई कुछ नहीं कर पाया। तो यहाँ पर बैठे मेरे जितने भी भाई हैं, मंचासीन हमारे बड़े हैं, सभी लोग बुजुर्ग हैं, काफ़ी अनुभवी हैं सब लोग, आप लोगों को ज़्यादा बेटर तरीके से पता है कि कॉन्स्पिरेसी कैसे की जाती है। तो फिर उपाय क्या है? क्यों नहीं पहुँच पा रहे? कब तक हम लोग स्पीच देते रहेंगे? उत्तर प्रदेश के अंदर अभी मैं चुनावी कैंपेनिंग में थी, मैंने देखा बीजेपी के लोग कम से कम 500 गाड़ियां पेट्रोल भरवा रहे पेट्रोल पंप पे, और पेट्रोल पंप वाला उफ भी नहीं कर रहा है।
क्योंकि कल ही उसका लाइसेंस जब्त हो जाएगा। ये मिसयूज ऑफ पावर जो है कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि हम उसके साथ नहीं खड़े, हमें लगता है ये तो उसका इशू है, हम उसके साथ कैसे खड़े होंगे। तो मेरा ये मानना है कि हम किसी दुबे तिवारी को, किसी को इंडिविजुअल तरीके से, सार्वजनिक मन से गाली देने से कुछ नहीं निकलने वाला। जितना आप गाली देंगे उतना ही मोरली वो अपने आप को जस्टिफाई करेंगे कि समाज तो हमें गाली देता है, हमने तो कभी गाली नहीं दी है। और अभी इस मंच से जो बात की गई है एक शब्द की कि वो हटा दिया गया है, उनको लगता है कि जब पॉलिटिकली इन मुद्दों पर ये एग्रेसिव हो रहे हैं, ये एक्टिव हो रहे हैं, तो उस चीज को वो मॉडिफाई कर देते हैं, आपके पास वो मुद्दे भी नहीं छोड़ते हैं। ये स्ट्रेटजी क्या हम अपना पाते हैं? हमें अगर उनको परास्त करना है तो स्ट्रेटजी बना करके अपने वोट के अधिकार का यूज, अपनी यूनिटी, अपनी ऑनेस्टी, अपनी स्ट्रेटजी, और उसके बाद एक कदम आगे आते हैं कि तब हम एग्रेसिव भी हो जाएंगे जब ऐसा कुछ होगा। अगर ये नहीं होगा तो जैसा 70-75-73 सालों से चलता आ रहा है बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस देश के अंदर जब भी कोई भी तबका, ओबीसी समाज, ऐसी माइनॉरिटी महिलाएं आवाज़ उठाती हैं तो तुरंत उसको कंट्रोल करने के लिए हक हमारा है 100% पर उसको दे दिया जाता 5% और हम खुश हो जाते हैं कि देखिए हमारे फेवर में कर दिया गया। रिजर्वेशन की अगर बात करें, मेरा ये मानना है कि सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दे दिया गया, उन्होंने उपाय कर लिया कि हर चीज़ का हम निजीकरण कर देंगे, आप लड़ते रहिए रिजर्वेशन के लिए, जब नौकरियां ही नहीं है तो आप क्या करोगे, अब आप लड़ो निजीकरण के लिए। निजीकरण के लिए वो कहेंगे कि आपके बच्चे कैपेबल नहीं हैं, आपके बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पाते, आपके बच्चे झेप जाते हैं, डर सहते हैं, सामना नहीं कर पाते, तो आप फिर कहोगे कि जो स्कूलिंग व्यवस्था है उसको इक्वल कर दीजिए, कॉन्वेंट स्कूल या तो ख़त्म कर दीजिए या सारे सरकारी स्कूल बना दीजिए, या सरकारी स्कूल ख़त्म करिए सारे कॉन्वेंट बना दीजिए। फिर आप लड़ाई लड़ेंगे कॉन्वेंट की फी देने के पास, एक किसान के पास पैसा नहीं है, और जब किसान के पास पैसा नहीं, आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा, उस काबिल नहीं बन पाएगा, उसके पास न्यूट्रिशंस नहीं है, आप खिला नहीं सकते उस बच्चे को वो हेल्दी चीज़ें, आप कैसे उनसे फाइट कर लेंगे। तब यहाँ पर आ जाती है कि एक दूसरे का हाथ पकड़ करके बढ़िए, चाहे वो ओबीसी समाज में चाहे कुशवा हो, साक्य हो, यादव हो, या पाल हो, या जितनी भी जातियाँ हैं, भाई ये लड़ाई सबकी इस देश के लिए एकजुट हो करके लड़ने की लड़ाई है, सभी के साथ मिलकर के बढ़ने की लड़ाई है। कोई भी ताकतवर इंसान नहीं इतना हो सकता है कि एक बहुसंख्यक आबादी पर इतने सालों तक राज कर सके। अगर उनके षड्यंत्र हैं तो हम अपनी स्ट्रेटजी बना लें ईमानदारी से। मैं दावे के साथ कहती हूँ, सत्ता का परिवर्तन नहीं, सत्ता में आ करके आप सिस्टम का परिवर्तन कर लेंगे, जो कि संगोष्ठियां बड़ी बड़ी करने की, हमें अपनी पीड़ा व्यक्त करने का फिर टाइम भी नहीं होगा, हमें स्ट्रेटजी बनाने होंगे। हम डिसाइड करेंगे कि हम किसको क्या देंगे, ना कि हम ये आज मंच पर बोले कि हमें क्या छीन लिया गया और हमें क्या चाहिए। हम लोग देते आए हैं इस भारत को, असली यहाँ की आबादी किसान, आदिवासी, जितना भी यहाँ का मूल निवासी समाज है वो इस देश का फाउंडर है, उसने बनाया, उसने दिया और आज भी दे रहा है। लेकिन आज हम इस दौर में आ गए हैं कि हमें मांगना पड़ रहा है और हमें कहना पड़ रहा है मेरा छीन लिया गया। तो भाई ये जो मांगना और छीनने के बीच की जो कड़ी है और जो देने वाला है कुछ डिफरेंट है, तो इसको अगर हम लोग मिलकर के स्ट्रेटजी बनाएंगे तो शायद सब कुछ संभव है। जय भीम, जय भारत।